अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मेरा मेरा सवाल ये था कि मेरा लड़का जॉर्जिया में है, वो बार बार मेरे को फोन कर रहा है। वो वहाँ पे तरावी की नमाज चार चार रकात करके होती है, तो वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? चार कहाँ पे है बेटा आपका? जॉर्जिया में। जॉर्जिया में देखिए, नफिल नमाज को चार चार रकात पढ़ने के बारे में ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन बहुत सारे उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो रिवायत है उसकी बुनियाद पर, जिसमें उन्होंने कहा है अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में कि कान युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, फिर उसके बाद चार रकात पढ़ते, आप जो है उसके हुस्न और तूल के बारे में सवाल ना करें। तो इसी रिवायत से इस्तदलाल करके बहुत सारे उलमा ने कहा है कि नफिल नमाज को चार चार रकात करके भी पढ़ना जायज है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आम तौर से जो अमल है और जिस पर आपने उभारा है वो दो दो रकात करके पढ़ना है, लेकिन अगर कोई चार रकात करके पढ़ रहा है तो इंशाल्लाह जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। तो आप उनसे कहिए कि अगर वहां की मस्जिद में चार चार रकात करके लोग पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ पढ़िए, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है।